हाय गाइस, तो कैसे हैं सब लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एलईडी स्ट्रिप लाइट जो कि रिमोट कंट्रोल है। इसको मैंने अमेजन से परचेज किया था। लगभग मुझको 5 डेज हो चुके हैं इसको बाय किए हुए और मैं इसको पहले से अनबॉक्स कर रखा है। तो इस वीडियो में हम इसके सारे मूव्स को चेक करेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। चलिए जल्दी से अब इसे ओपन कर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाती हैं एलईडी स्ट्रिप, जिसके साथ आपको एक कनेक्टर भी मिल जाता है। ये से रख लेते हैं ताकि, और इसके साथ आपको मिलता है एक अडैप्टर जिसकी आउटपुट है 12 वोल्ट 2 एम्पीयर। और इसके साथ ही आपको मिल जाता है एक रिमोट कंट्रोलर जो कि आरजीबी को कंट्रोल करेगा। जो भी आपको मूव सेलेक्ट करने हैं वो आप इसके साथ कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक मिल जाता है रिमोट जिसमें 24 कीज हैं। आपको इसके साथ 4 मूव मिल जाते हैं, स्लैश, स्टोव, फेस, स्मूथ। चलिए आप इसको चलाकर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं अपनी आरजीबी स्ट्रिप लाइट के साथ। इसके साथ कनेक्ट अडैप्टर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये इसका अडैप्टर भी कनेक्ट हो गया। अब मैं डायरेक्ट इसको अपनी मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए गाइस, अब टाइम आ गया है इसको ऑन करने का। देख सकते हैं ये ऑन हो चुकी है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके सभी मूव। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लैश मूव। ये इसका फ्लैश मूव है। इसके साथ आप इसकी स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हो। इस बटन से आप इसकी स्पीड को हाई कर सकते हो। जैसे ही मैं इसके बटन को दबाता जा रहा हूँ उसकी स्पीड हाई हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी स्पीड इसकी हाई हो चुकी है। और इस बटन से हम इसकी स्पीड को कम कर देंगे। ये इसकी स्पीड बिल्कुल कम हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट मूव जो कि है स्टोव लाइट वाला। इसको प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं ये स्टोव मोड में आ चुका है। अब इसकी स्पीड हम फास्ट कर देख लेते हैं कि कैसे चल रहा है। ये इसकी स्पीड हाई हो चुकी है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट मूड को। ये इसका फेड मूड है। अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि कैसे इसकी स्पीड हाई करनी है और कैसे लो करनी है। ये इसका फेड मूड है। अब स्मूथ मूड को भी चलाकर देख लेते हैं। ये इसका स्मूथ मूड है। मुझे ये नहीं समझाया इन्होंने स्मूथ मूड को इतना फास्ट क्यों कर रखा है। स्पीड, चलो स्पीड कम कर देख लेते हैं। ये इसकी स्पीड कम हो चुकी है। चलिए अब इसके सिंगल कलर को भी चलाकर देख लेते हैं कि कैसे चल रहे हैं। अब हम प्रेस करते हैं पहले रेड कलर को। ये इसका रेड कलर है। ये इसका ग्रीन है। ये ब्लू। ऐसे ही आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं इसमें। आपका जो मन करता है आप वैसे ही इसको यूज़ करें। ये वाला बटन रह गया आपको दिखाना। ये W वाला है जो वाइट वाला ही होगा जो। चलिए आप इसको भी प्रेस कर देख लेते हैं। इसके साथ आपको सारे ही कलर ऑन मिलेंगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट। मैंने इसको 400 में बाय किया है अमेजन से। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपनी पीसी कैबिनेट में। फुल्ली आरजीबी कर देंगे हम इस पीसी कैबिनेट को। अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी ही रोज इंटरेस्टिंग वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ लेता हूँ आपसे इजाजत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। I feel
Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind.